स्टाफ को अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज करते हो डायलॉग में, बातचीत में, अपने साथ जोड़ते हो, एक रोल जो है वो असाइन करते हो, कुछ नॉर्म्स जो है फिक्स करते हो, ताकि मींस बांधने के लिए भी जैसे हमें रस्सी की जरूरत पड़ी, ये जो बातचीत है, ये जो डायलॉग है, ये बेसिकली बांधने वाली रस्सी है. सो हाउ यू आर एंगेजिंग एवरी मेंबर ऑफ योर स्टाफ इन टू दैट डायलॉग, गिविंग चांस, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी, taking or considering everybody's views is very important. तो उससे वो जो dialogue है जिसमें हर एक इंसान अपनी अपने assumptions को थोड़ा suspend करे, मेरी belief systems को थोड़ा hold करे, openly, transparently दूसरों को सुनने की भी तैयारी रखे. At times my emphasis is so much, I am so much overwhelmed with my views and my beliefs कि जैसे ही मेरी इच्छा के अनुसार कोई बात करता है तो मैं एकदम एक्साइटेड होकर हाँ हाँ मैं यही सोच रहा हूँ, ऐसे ही, और उसके विपरीत है तो मैं नहीं नहीं ये जो बोल रहे हैं ये तो, दिस इज व्हाट हैपेंस. अगर इस प्रकार से चर्चा होगी तो वी विल एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट्स, तो हम एक दूसरे की बात को तोड़ने में काटने में लग जाएंगे. बट इफ द टीम एंगेजेस इनटू डायलॉग, ओके मे बी दैट इज योर पर्सपेक्टिव सर, बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू आर सेइंग, आई बिलीव दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड इट सेज दिस इज व्हाट. तो हम इस प्रकार से भी बात कर सकते हैं. तो वो जो डायलॉग है जहाँ पे एक ओपननेस है कि हर एक का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, मे बी उनके अनुभव ने उनको वो सिखाया होगा, मेरे अनुभव ने मुझे ये सिखाया है, लेट अस अंडरस्टैंड ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस एंड सी एंड रिफाइन एंड गैदर न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस. तो टीम लर्निंग इज अबाउट दैट गैदरिंग ऑफ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस. एंड देयरफॉर सेंगे उसमें चार मुख्य बातें बताते हैं. Helping one another, relying on one another, एक दूसरे पे विश्वास करना, learning with each other and learning from each other, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखना और एक दूसरे से सीखना. तो ये जो चार बातें हैं ये मुख्य बातें टीम लर्निंग में हैं, और इस प्रकार से होने से perhaps we can work together, come together and grow together. Now we have to do this, we accept in toto.